जनपद हरदोई से खबर है, जहां दाल व्यवसायी से 1.5 लाख की लूट की वारदात कर लुटेरे फरार हो गए। बता दें कि कोतवाली शहर के रेलवे गंज स्थित दाल व्यवसायी संजय गुप्ता की दुकान पर दाल खरीदने के बहाने लुटेरे आए थे, जहां दुकान पर बैठे कर्मचारी से 1.5 लाख लूट कर 3 लुटेरे लूट की वारदात के बाद फरार हो गए। वहीं पुलिस CCTV फुटेज खंगालने में जुटी है। पुलिस अधीक्षक ने बदमाशों की तलाश के लिए 3 टीमों का गठन किया है, साथ ही बदमाशों की पहचान बताने वालों को 10,000 रुपए का नगद इनाम देने की भी घोषणा की है। हरदोई से संवाददाता मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। यह प्रकरण थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक दाल विक्रेता हैं संजय गुप्ता, जिनके दुकान पे उनके कर्मचारी मुकेश बैठे दाल बेच रहे थे। इसी दरमियान 3 नई उम्र के लड़के पैदल आते हैं और इनसे दाल खरीदने के बहाने मौका पा करके बलपूर्वक करीब 1,50,000 रुपये छीन कर पैदल ही गलियों में भाग जाते हैं। इस सूचना पर तत्काल हमारी कोतवाली शहर पुलिस टीम COCT मौके पर पहुँचे। तमाम CCTV फुटेज देखे गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। उस आधार पर और कर्मचारी मुकेश के बयानों के आधार पर बहुत जल्द ही हम इस घटना का खुलासा करेंगे और इन लुटेरों को गिरफ्तार किया जाएगा, बरामदगी की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा।